हेलो गाइस, वेलकम टू दी कार इंट्रो। मैं राहुल आज आपको एक न्यू वीडियो आपके लिए न्यू वीडियो लेके आया हूँ, जिसके अंदर फुल डिटेलिंग फीचर वाली वीडियो होगी, ओनरशिप रिव्यू होगा। सो गाइस, ये मारुति 800 मेरी खुद की गाड़ी है, पर्सनली मुझे ये गाड़ी बहुत पसंद है। तो आइए जरा एक बार हम इस गाड़ी का फुल रिव्यू लेते हैं, तो आइए एक बार अंदर मिलते हैं। ओके, वेलकम बैक इन दी कार गाइस। तो अंदर से गाड़ी का स्टेयरिंग कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि इसका इंटीरियर कुछ इस तरह दिखता है। तो चले आइए देखते हैं हम इस गाड़ी ये गाड़ी कितना रन कर चुकी है, ठीक है गाइस। तो चलो देखते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, 98,000 ये कार रन कर चुकी है, ठीक है गाइस। और ये कार फोर स्पीड कार है, 1997 मॉडल कार है गाइस ये। तो चलो अब इसके इंडिकेटर्स देखते हैं, इंडिकेटर कंट्रोल्स। तो गाइस, राइट साइड इसके इंडिकेटर कंट्रोल्स हैं एंड हेडलाइट कंट्रोल्स हैं, और लेफ्ट साइड आपको गाइस मिल जाते हैं वाइपर कंट्रोल्स हैं। तो आइए गाइस, अब हम इस साइड देखते हैं। ये आपको स्टीरियो की स्पेस मिल जाती है, नीचे भी आपको स्टीरियो की स्पेस है, ठीक है गाइस। और यहाँ पर आपको दो कप होल्डर्स मिल जाते हैं। तो डैशबोर्ड इसका कुछ इस तरह दिखता है, हार्ड प्लास्टिक इसमें यूज़ किया गया है, आप चेक कर सकते हैं। नीचे इसका ग्लव बॉक्स है, ये हार्ड प्लास्टिक है गाइस, दबाने से भी नहीं दब रहा, जैसे आजकल की गाड़ियों में जैसे दब जाता है मारुति की, वो इसका ग्लव बॉक्स दिया गया है नीचे साइड में, ठीक है गाइस। डैशबोर्ड की लुक कुछ इस तरह दिखती है गाइस। तो आइए अब जरा एक बार इसका गियर नॉब वगैरह देख लेते हैं। तो गाइस चलो, जैसे आप लोग देख पा रहे हो, इसका गियर फोर स्पीड ये कार है, तो इसके इसमें चार गियर मिलते हैं, ठीक है गाइस। और गियर इसका ठीक है, कोई हार्ड शिफ्टिंग गियर नहीं है, नॉर्मल गियर है। तो गाइस, ये इसकी हैंड ब्रेक है, सिंपल हैंड ब्रेक है। और गाइस, मेरे को इस कार के अंदर सबसे बढ़िया बात ये लगती है कि जो इसके सीट बेल्ट हुक्स होते हैं ना गाइस, वो इसमें अपने आप ही नीचे हो जाते हैं, इरिटेटिंग नहीं है, जैसे कि आजकल के गाड़ी में होता है कि साइड में चुभते हैं, वो इसमें नहीं है। तो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हो इसका स्टेयरिंग। तो गाइस, बाहर से कुछ गाड़ी ऐसी लगती है, जैसे कि आप देख पा रहे हो इधर मारुति सुजुकी की बैजिंग मिल जाती है, पीछे इसकी ग्रिल है, ठीक है गाइस, आप लोग देख सकते हो मारुति की बैजिंग है। और हार्ड प्लास्टिक इसके अंदर यूज़ किया है बम्पर में, ठीक है, इस ब्लैक कलर का बम्पर दिया जाता है कंपनी के द्वारा, और प्लास्टिक भी इसका बहुत मोटा है गाइस। जब इसकी लाइट के बारे में बात करते हैं, तो इसके अंदर सिंपल लाइट मिलती है, वो हाइलोजन बल्ब्स के साथ लाइट होती है, ठीक है गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हो। और इसका बम्पर इतना मोटा है कि गाइस, अगर कल को गाड़ी लगती है तो इसमें क्या होता है कि बम्पर से हेडलाइट आपकी बच जाती है और कुछ नहीं, एक्सीडेंटल में आपको दिक्कत इतना वो नहीं होता कि सीधा बम्पर और बोनट खराब हो जाए, तो कुछ हद तक इसका बम्पर बचा लेता है लाइट्स को, तब तक गाड़ी हम कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है गाइस। तो गाइस, इसकी फ्रंट लुक कुछ ऐसे दिखती है। तो आइए अब जरा इसके हेडलाइट्स के बारे में बात करते हैं। सिंपल हैलोजन बल्ब्स मिलते हैं इसके अंदर, कंपनी फिटेड बल्ब्स होते हैं, नीचे इसका इधर इंडिकेटर। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, ये फेंडर के ऊपर भी इसका इंडिकेटर दिया गया है, ठीक है गाइस, स्मॉल इंडिकेटर है। और ये इसका रियर है, और मिरर हो गया इसका। तो गाइस, इसका साइड प्रोफाइल कुछ ऐसा दिखता है, R12 का इसके अंदर टायर है डला हुआ, ठीक है गाइस, 12 इंच टायर है इसके अंदर, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। टायर साइज़ है वो 145/70 R12 इंच का टायर है इसका, ठीक है गाइस, बहुत बढ़िया इसका टायर है। इस गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस देखते हैं, 175 mm की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है, बहुत अच्छी इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है, इसको जैसे रफ एंड टफ चलाइए। तो गाइस, जैसे कि अब आप लोग इसकी लुक पीछे से देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे मारुति सुजुकी ने अपनी बैजिंग दे रखी है, ये बूट अनलॉक के लिए बटन दे रखा है विद की, नीचे नंबर प्लेट, और वही अगेन हार्ड बम्पर है, प्लास्टिक हार्ड प्लास्टिक बम्पर है, जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस। ये रियर लाइट है, कंपनी फिटेड रियर लाइट है। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये पेट्रोल टैंक है, ठीक है। इसके अलावा हम चले आइए गाड़ी के अंदर, देखते हैं कि इसमें स्पेस की। सो गाइस, मुझे इस कार की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है, तो चलिए आइए एक बार पहले अंदर सीटिंग देखते हैं। गाइस, जैसे कि मैं 6 feet का हूँ, तो मैं आके बैठा हुआ था, तो पूरी इसकी सीट पूरी पीछे करी हुई है, ठीक है गाइस। तो भी आप देख लीजिए कि फ्रंट में इसका लेग रूम कैसा है, और फिर हम इसका रियर में लेग रूम देखते हैं, ठीक है गाइस। चलिए एक बार हम रियर का लेग रूम देख लेते हैं, उसका भी कैसे है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो इसका रियर का लेग रूम और सीटिंग कैसे है। तो गाइस, जो इसकी सीट है उसके हिसाब से अगर देखा जाए, तो 2 adult और 1 child बैठ सकता है कम्फर्टेबल, बट वैसे अगर फुली कम्फर्टेबल देखा जाए, तो 2 adult की ही सिर्फ स्पेस है गाइस। तो आइए एक बार जरा बैठ के देखते हैं कि इसका लेग स्पेस कैसा है, आइए बैठते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि मैं बैठ चुका हूँ, तो इसके अलावा गाइस देख लीजिए कि अगर आगे 6 feet का पर्सन बैठता है, तो पूरी सीट पीछे करता है, पूरी सीट पीछे होने के बाद भी मेरी हाइट जैसे 6 feet है, तो मेरे नीज़ पूरे टच हो रहे हैं, बट उस टाइम के हिसाब से कार का सीटिंग प्लान बहुत सही है। अगर आप एक बार देखते हो इस चीज़ को कि लेग रूम ठीक है, ज़्यादा नहीं है, बट इतना वो भी नहीं है कि बंदा बिल्कुल ही परेशान हो जाए, ठीक है ना गाइस। जैसे कि आप देख पा रहे हो, अगर इसमें 2 जने बैठते हैं मेरे जैसे हेल्दी होने के साथ, और साथ साथ 6 feet जितने, तो सिर्फ 2 ही आएंगे, 1 children नहीं आएगा, सिर्फ 2 ही आएंगे, बाकी देखो 3 जो बिठा लेते फिर वो फंसने वाली बात हो जाती है, और खैर ऐसा कुछ है नहीं। चलिए गाइस, एक बार जरा इससे बाहर चलते। तो गाइस, वैसे मैं आपको अगर अपना उससे बताऊँ, तो ये गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ये गाड़ी मेरी ही है, तो मैं आपको बता रहा हूँ इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है।
ऐसा लगता है कि जैसे मारुति ने इसके अंदर ही सारा लोहा डाल दिया। एक बार आप खुद चेक करिए कि इसका जो डोर पैनल है वो ही हैवी है, ठीक है। और मतलब ये नहीं है कि जैसे आज के टाइम में स्विफ्ट वगैरह का है तो एकदम दरवाज़ा बिल्कुल पतला, ऐसा कुछ नहीं हम इसको कह सकते। ये बहुत बहुत ज़्यादा इसकी मतलब इसके अंदर कह दो कि लोहा ही बर्फ का है। तो ऐसी ये गाड़ी आप खुद देख सकते हो, और इस गाड़ी को 24-25 साल हो गए हैं, तो देख लीजिए कोई मेजर कुछ ऐसा वो है नहीं इसके साथ। ये गाइस एक बार जरा हम इसके बूट को देखते हैं। तो ये रहा इसका बूट। गाइस मेरे को इस मारुति के अंदर सबसे बेस्ट फीचर ये लगता है कि जब हम इस बटन को दबाएंगे तभी हमारा बूट का डोर पैनल ऊपर होएगा। नहीं तो वैसे जैसे आज के टाइम में गाड़ियाँ चल रही हैं उसके अंदर क्या होता है कि सिर्फ अगर आप अपना सेंटर लॉकिंग से ही ऑन कर देते तो बस फिर उसके ऊपर करना होता है, बाकी अपने आप ही वैसे खुल जाता है, बट इसके अंदर ऐसा नहीं है। और गाइस ये मैंने सोनी का स्पीकर लगवाया था आफ्टर मार्केट, ये गाड़ी में लगे लगाए नहीं आते। जैसे कि अब आप लोग देख रहे हो कि इसके अंदर स्टेपनी है, तो स्टेपनी का जो साइज़ है वो 145/70R12 है। तो चलिए गाइस अब इसके बाद हम लोग एक बार इंजन का ओवरव्यू करते हैं। गाइस एक बार जरा इसके इंजन की बात करते हैं। तो जो इसका इंजन है मारुति सुजुकी का वो कुछ ऐसा दिखता है, देख सकते हो आप लोग। और गाइस इसमें सामने आपको मारुति उद्योग लिमिटेड की बैजिंग दिख जाएगी, और जो इसका इंजन है वो 796 cc का इसका इंजन है, ठीक है गाइस। वो जो 137 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करते हैं और 59 mm की टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं। तो इसके अंदर आपको राइट साइड पर एमरोन की बैटरी मिल जाएगी और कूलेंट बॉक्स मिल जाएगा, जैसे कि आप लोग देख रहे हो एमरोन की बैटरी है और पीछे कूलेंट बॉक्स है, ठीक है गाइस। और इसके लेफ्ट साइड में आपको मिडल में आपको रेडिएटर मिल जाएगा और लेफ्ट साइड में आपको वाटर कैपेसिटी टैंक मिल जाएगा, ठीक है गाइस। वाइपर के लिए चेक करते हैं कि इसका इंजन नॉइस कितना करता है। कैबिन नॉइस है नहीं है गाइस। सेल्फ देखो गाइस सिंगल सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट है। तो गाइस आप लोग चेक कर पा रहे हैं कि इस वक्त गाड़ी स्टार्ट है। और गाइस वन मोर थिंग, इसके अंदर चौंक दिया जाता है कि जैसे सर्दियों में कोई गाड़ी स्टार्ट नहीं होती या सेल्फ लंबा लेती है तो आप इसका चौंक दे सकते हैं। जैसे कि मैं आपको देखो गाइस, देखो मेरा रेस के ऊपर कोई पैर नहीं है, ठीक है गाइस। एक सेकेंड, ये देखो गाइस आप चेक करना। एक सेकेंड गाइस फोकस करो, ये गाइस इसको देख के आप चौंक से सेल्फ मार सकते हैं, ठीक है गाइस। आइए भाई मेरी बाहर से इसके इंजन वाइज देखते हैं। गाइस आप इसकी इंजन वॉइस चेक कर सकते हैं बाहर से कैसी है, ठीक है गाइस। ज़्यादा वॉइस नहीं है इसकी बट ठीक है, पेट्रोल इंजन है ये। इधर स्टीयरिंग में भी मारुति की बैजिंग मिल जाती है आप लोगों को, मिनी स्टीयरिंग लगवा रखा है पॉप का। और एसी कार है गाइस ये, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। ये गाइस इस वक्त एसी बंद कर दिया क्योंकि मैं चला रहा था तो एसी चला रखा था। लो गाइस चेक कर सकते हैं विंड ब्लास्ट आएगा और कुछ देखिए। सो इसको बंद कर देते हैं। सो गाइस जाने, अगर आपको वीडियो पसंद आई और जाने से पहले इस वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और इस वीडियो को शेयर जरूर करिए और लाइक जरूर करिए। ओके गाइस थैंक यू सो मच। तो आइए गाइस अब हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा ड्राइव करके देखते हैं। और इसके अंदर पावर स्टीयरिंग तो कोई नहीं होता, बट ये है कि इसका स्टीयरिंग लाइट है, आप रास्ता देख ही पा रहे हैं। चलिए गाइस गाइस इसका स्टीयरिंग बहुत लाइट है, आप चेक कर सकते हो रोड कैसी है, बट आप ये देखिए देख गाइस कितने आराम से मूविंग कर रहा है। पावर स्टीयरिंग की तरह ही लगता है, बहुत लाइट स्टीयरिंग है इसका, ऐसी बात नहीं है। चेक करिए गाइस ये देखिए गाइस मेरी ये दो उंगलियों से भी ये स्टीयरिंग की जरूरत है, जहाँ मर्जी घुमा लूँ। कोई ऐसा वो नहीं है कि हार्ड स्टीयरिंग हो, बट आई पॉप की आदत मेरे को बहुत गंदी है। तो गाइस गाड़ी बहुत बढ़िया है, वेट भी है गाड़ी के अंदर, कोई ऐसे वो नहीं है कि गाड़ी चलते हुए झोल मारती है, कुछ ऐसा नहीं है गाड़ी। मेन मारुति सुजुकी को ये गाड़ी निकालने का मेन मोटिव यही था कि हर मिडिल क्लास फैमिली इस गाड़ी को अफोर्ड कर सके।